दोस्तों आज हम आपके लिए कूलर की स्विंग मोटर की मरम्मत करना सिखाएंगे। यह मेरे पास एक कूलर की स्विंग मोटर है, इसको आज हम सबसे पहले ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा फॉल्ट है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसके दबे हुए कोनों को पेचकस या प्लास की सहायता से हटाऊंगा। चलिए प्लास की सहायता से हटाते हैं। यह वही मशीन है जिस मशीन के द्वारा कूलर में स्विंग की जाती है, यानी हवा को एक दिशा से दूसरे दिशा में यदि मूव करने का जो काम करती है वह कूलर स्विंग मोटर ही करती है। इसकी मार्केट प्राइस 100 से 120 या 150 रुपए है। यह देखिए मैंने ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद इसके जो भी अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं वह आपको ध्यानपूर्वक हटाने हैं ताकि आप उसी प्रकार इनको दोबारा लगा सको। मैंने अंदर के पार्ट्स हटा दिए हैं। अब नीचे का जो लास्ट हिस्सा है या पार्ट है उसको मैं पेचकस की सहायता से हटा रहा हूँ। लीजिए पेचकस का नीचे से थोड़ा दबाव देंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे और लीजिए ये हट चुका है। अब लास्ट में आपको एक कॉइल और एक मैग्नेटिक व्हील प्राप्त होता है। मैग्नेटिक व्हील मैंने हटा दिया है। अब मैं कॉइल को भी इस बॉक्स से अलग करूंगा। चलिए इस कॉइल को भी हटाते हैं और देखते हैं किस में फॉल्ट है। ध्यान रखें आमतौर पर जो भी आपको फॉल्ट दिखाई देगा वो इस कॉइल में ही मिलेगा। देखिए मेरी यह जो कॉइल है इस जगह से शॉर्ट हो गई है जिसके कारण यह जो मेरी मोटर है इसने काम करना बंद कर दिया। मेरे पास एक अन्य कॉइल थी जो मैंने इसमें सेट कर दी है। अन्य कॉइल को भी मैंने चेक किया लेकिन वह है देखिए यह फॉल्ट थी। और अभी जो मैंने मोटर्स में से निकाली है वो यह कॉइल है। चलिए इसके अन्य पार्टों को भी इसमें सेट करते हैं। इसके पहले इसमें एक छोटी सी स्प्रिंग है जो आपको टॉप पर लगाना, उसको लगाना ना भूलिएगा अन्यथा आपकी मोटर सही वर्क नहीं करेगी। अब अन्य पार्टों को हम इसमें लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखें ये पार्ट लगाने के में आपको पूरी सावधानी बरतनी है क्योंकि एक पार्ट का संबंध दूसरे पार्ट से है। यदि एक पार्ट आपका मूव नहीं करेगा तो दूसरा पार्ट भी मूव नहीं करेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इन पार्टों को लगाएं। और ये लगने के बाद ये मानिए कि आपका 90% मोटर रिपेयर का काम पूरा हो चुका है क्योंकि इस स्विंग मोटर में आमतौर पर कॉइल में ही डिफेक्ट आता है, अन्य किसी भी पार्ट में डिफेक्ट आने की आज तक संभावनाएं नहीं देखी गई हैं ना ही अपने अनुभव में पाया गया है। मैंने जब जब इस मोटर की मरम्मत की है हमेशा मुझे कॉइल में ही डिफॉल्ट पाया था। मैंने अभी प्रेजेंट में 3 मोटर को ओपन किया और तीनों मोटर में ओपन करने पर 2 कॉइल मुझको डैमेज पाई, 1 कॉइल मेरी ठीक थी जिसको मैंने अन्य मोटर में सेट किया है। चलिए मेरा ये पार्ट लग चुके हैं। अब मैं इसको बिल्कुल अपने पुराने जगह पर सेट कर देता हूँ ताकि मुझे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ध्यान रखें मैं बार बार आपको ये बात दोहरा रहा हूँ कि यह काम आपको बहुत सावधानी से ही करना है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट हैं। बस ये मान लीजिए कि आपने घड़ी की मरम्मत की, घड़ी से मरम्मत से थोड़ा ही आगे की स्टेज कह सकते हैं। इसके पार्ट भी बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन मरम्मत करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। छोटा मिस्त्री, नौसिखिया मिस्त्री भी इस कार्य को कर सकता है। और यदि आपकी एक बार मोटर खराब होती है तो एक बार आप ये प्रयोग करके जरूर देखें, उसके बाद ही नई मोटर परचेज करें। चलिए मैं इसके ऊपर के पार्ट को बिल्कुल पैक कर देता हूं और लीजिए लगभग मेरे मोटर का अंदर के पार्ट्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं। फिर भी मैं इनको प्रेस करके दबा देता हूं। लीजिए स्प्रिंग भी लगा दी है मैंने। स्प्रिंग लगाने के बाद अब मुझे इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो सेट करना है और ढक्कन सेट करने के बाद बस उसी प्रकार प्लास से इसको इसके कोनों को दबा देना है। और कोने दबने के बाद इसको एक बार मैं मूव करके भी देख लेता हूँ ताकि मेरे अंदर के जो पार्ट वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको एक हल्की हल्की आवाज़ भी सुनाई देगी। अब हम इसके कोनों को
भी दबा देते हैं। दबा देने के बाद आपकी मोटर बिल्कुल वर्क के लिए तैयार है। चलिए हम इसको पावर सप्लाई के द्वारा चेक करते हैं। अब मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूं, तो पावर सप्लाई देने पर देखिए ये मेरी मटर मूव कर रही है, हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये मूव कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए इस पर कोई आइटम या कोई हल्का चीज़ रखते हैं। लीजिए मैंने इसको पुरानी मोटर का ही एक मुझ पर बील है, मैं इस पर रख दिया है और देखिए मेरी मोटर वर्क कर रही है। यानी अब आप कह सकते हो कि हमने एक छोटे से प्रयास के द्वारा अपनी मोटर की रिपेयर कर ली है। यानी आप घर बैठे एक अपने समय का उपयोग करते हुए अपनी काबिलियत को एक सही दिशा में अंजाम दे सकते हो। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।